क्या डेथ सेंटेंस होना चाहिए या नॉर्मल आईपीसी के तहत जो सजा है वो काफी है? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग पिछले तीन चार दिन ऐसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसका तो रोल ही नहीं ना कि लाइफ के अंदर ये जो हरकतें जो होती हैं, रेप वगैरह, ये तो डिस्गस्टिंग, सबसे थर्ड ग्रेड जो क्राइम है। देखिए बोलने के लिए इम्पल्सिवली तो ये पहले ये आता है कि मार देना चाहिए सालों को, फर्स्ट। सेकंड ये कि मार के खलास, पनिशमेंट खत्म हो गई, अब उनको रखो जिंदगी भर, ताकि उनको पता चले कि ये कितना उन्होंने, कितनी बड़ी गलती की उन्होंने लाइफ के अंदर, कितना बड़ा क्राइम किया है। सेकेंड चीज है कि अगर काउंसलिंग मिलती है इसके बाद तो नथिंग लाइक इट। तो ये भी है और वो भी है, दोनों साइड है। क्या डेथ सेंटेंस होना चाहिए या नॉर्मल आईपीसी के तहत जो सजा है वो काफी है? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग पिछले तीन चार दिन ऐसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसका तो रोल ही नहीं ना कि लाइफ के अंदर ये जो हरकतें जो होती हैं, रेप वगैरह, ये तो डिस्गस्टिंग, सबसे थर्ड ग्रेड जो क्राइम है। देखिए बोलने के लिए इम्पल्सिवली तो ये पहले ये आता है कि मार देना चाहिए सालों को, फर्स्ट। सेकंड ये कि मार के खलास, पनिशमेंट खत्म हो गई, अब उनको रखो जिंदगी भर, ताकि उनको पता चले कि ये कितना उन्होंने, कितनी बड़ी गलती की उन्होंने लाइफ के अंदर, कितना बड़ा क्राइम किया है। सेकंड चीज है कि अगर काउंसलिंग मिलती है इसके बाद तो नथिंग लाइक इट। तो ये भी है और वो भी है, दोनों साइड है। Not the right place, but the feeling is exactly the same as every celebrity has said. I think it's completely wrong, and I think we all have to, mothers and fathers have to treat their sons in a way that they learn how to respect women from a very early age. Not the right place, but the feeling is exactly the same as every celebrity has said. I think it's completely wrong, and I think we all have to, mothers and fathers have to treat their sons in a way that they learn how to respect women from a very early age. Not the right place, but the feeling is exactly the same as every celebrity has said. I think it's completely wrong, and I think we all have to, mothers and fathers have to treat their sons in a way that they learn how to respect women from a very early age.